हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एजुकेशन विद रेफरेंस टू इंडिविजुअल सोशल एंड नेशनल लेवल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशन के क्या फंक्शन होते हैं विद रेफरेंस टू इंडिविजुअल। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इनबॉर्न पोटेंशियलिटीज़, यानी कि एजुकेशन हेल्प करता है एक बच्चे की ताकि वो अपनी इनबॉर्न पोटेंशियलिटी को बढ़ा सके, उसको प्रोडक्टिव बना सके, यानी पहले से जो उसके अंदर गुण है वो उसको और एनहेंस कर सके। ऑलराउंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एम करती है ऑलराउंड डेवलपमेंट में, यानी कि बच्चे के फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर एस्पेक्ट से डेवलपमेंट हो। प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट होती है तो बच्चा अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ काम करना है, टू अर्न इट्स लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये भी चीज़ है कि एजुकेशन प्रिपेयर करती है उसे फ्यूचर के लिए। डेवलपिंग पर्सनैलिटीज़, जो पूरी पर्सनैलिटी है बच्चे की, वो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, सोशल, एस्थेटिकल और स्पिरिचुअल, ये सारी पर्सनैलिटीज़ डेवलप होती हैं हमारी एजुकेशन के थ्रू। हेल्पिंग फॉर एडजस्टेबिलिटी, मैन हैज़ रीजनिंग एंड थिंकिंग पावर, इंसान के पास रीजनिंग और थिंकिंग पावर होती है, इसलिए वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया। देन आता है विद रेफरेंस टू सोशल लेवल और सोसाइटी। सोसाइटी के लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस होती है एजुकेशन की। सोसाइटी इज़ नेवर स्टेशन, इट इज़ प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक। सोसाइटी जो होती है कभी भी रुकी हुई नहीं होती है, हमेशा वो डायनेमिक रहती है। और सोशल इन्वायरमेंट जो होता है वो एक बच्चे की पर्सनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जितने भी पुराने ट्रेडिशंस वगैरह हैं, ठीक है, जो कि आज तक चेंज नहीं हुए हैं, अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा होगा, कोई ब्लाइंड बिलीव करते हुए किसी को देखेगा तो क्या होगा, वो उसको सही करने की कोशिश करेगा। तो एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ हमें लेके जाती है, अंधविश्वास से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाती है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो यहाँ पे एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, और लाइफ फुल ऑफ एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस के साथ नहीं रह सकता है अगर उसे सोसाइटी में एडजस्ट करना है, तो उसे नए चीज़ें अपने अंदर बदलाव करना होगा और बदलाव करने के बाद ही वो सोसाइटी में एडजस्ट कर पाएगा। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड मोरल वैल्यूज़। तो सोसाइटी जो है उसमें बच्चे की सोशल और मोरल वैल्यूज़ भी बढ़ती हैं। अब देखो क्या होता है, आजकल जो इंसान है वो एक किसकी तरह काम करने लगा है, एक एनिमल की तरह काम करने लगा है, और इस एनिमैलिटी को हटाने के लिए मोरल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोरल एजुकेशन और सोशल एजुकेशन जो है वो बच्चे के अंदर लव, टॉलरेंस, सिंपैथी, फेलो फीलिंग, इन सब तरीके की फीलिंग को ऐड करती है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म है इक्वालिटी, जिसका मतलब है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स या रिलीजन का हो। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स नेशन, नेशन की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनकल्केशन ऑफ सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एजुकेशन की वजह से बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सोशल भी और सिविक भी, ठीक है। तो ये एक अच्छा नागरिक बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि लीडरशिप के लिए भी बच्चों को बढ़ावा मिलता है जब एजुकेशन वो करता है, ठीक है, तो उसे देश के लिए कुछ करने के लिए, लीडरशिप करने के लिए भी बढ़ावा मिलता है। नेशनल इंटीग्रेशन, अब देखिए हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ अलग कास्ट, अलग क्रीड, लैंग्वेज, डाइट, सब कुछ अलग होता है, तो एजुकेशनल इंटीग्रेशन से इमोशनल इंटीग्रेशन होता है, यानी कि सब जब सेम चीज़ें पढ़ेंगे, यानी कि एजुकेशन में इक्वालिटी होगी, तो साउथ इंडियंस भी हमारे जैसे होंगे, हम भी उनके जैसे होंगे। टोटल नेशनल डेवलपमेंट एजुकेशन से क्या होता है, टोटल नेशनल डेवलपमेंट हो जाता है बाय डेवलपिंग इट्स ऑल एस्पेक्ट्स, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, स्पिरिचुअल, मोरल एंड एजुकेशनल। तो इस तरीके से ये हमारी बात थी कि क्या रोल होता है हमारे एजुकेशन का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने कवर को सब्सक्राइब करें।